हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको आइस कैंडल बनाना सिखाने जा रहा हूँ, जिसके लिए आपको चाहिए मेल्टेड वैक्स, आइस क्यूब जिसे थोड़ा क्रश करके रखना है, थ्रेड और एक पेपर कप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें पहले करना क्या है, पेपर कप के पीछे एक होल करना है। मैं नीडल से कर रहा हूँ। हमारे होल हो गया। अब इस थ्रेड को मैंने थ्रेड काट के रखा है, इसके निकाल के इसको डालना है इस होल के अंदर से। हमने थ्रेड इसके अंदर घुसा लिया। अब हमें यहाँ पे एक नॉट बांधना है बड़ा सा, जिससे कि ये थ्रेड इसके यहाँ से निकले ना। ये हमने कर लिया, ये जैसे अब नहीं निकल रहा। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हम इसके अंदर आइस, हरे क्रश्ड आइस क्यूब्स डाल देंगे। हमने क्रश्ड आइस क्यूब्स डाल लिए हैं। अब हम कोई भी ऐसे पेन पेंसिल लीजिए, उसके धागे से रोल कर दीजिए और ऐसे रख दीजिए, जिससे कि कैंडल में जो धागा था जिससे जलाते हैं वो आ जाए। ये मैंने कर दिया है। अब हम इसमें मेल्टेड वैक्स डालेंगे। हमने ये भर लिया है। अब हम इसे कुछ देर के लिए सूखने देंगे। जब ये एकदम ठंडा सूख जाएगा तो देखिए इसमें कैसा डिज़ाइन सा आ जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा। तो देखिए ये अच्छे से सूख चुका है। अब हम इस पेपर को निकाल देंगे एक कैंची से काट के। ये देखिए अभी से पानी, अंदर का पानी सारा निकाल देना है। ये देखिए अंदर से कैसा डिजाइन सा आ गया है ना। तो ये देखिए ये निकल गया है कैंडल। निकलने के बाद ये ऐसा कुछ दिखता है। तो आपको ये कैंडल कैसा लगा? तो ये जो थ्रेड है इसको हम नीचे से ऐसे काट लेंगे। अब ये नीचे हो जाएगा और यहाँ से हम लोग जलाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इसके बारे में क्या बताना है, कैसा है, तो कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।